तो अभी का फन ये है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया, पर अगर आप पुराने हैं तो आपको पता ही है मैं कितना सही हूँ, है ना। अभी का फन ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा इस फोटो में जो बच्चा है जो अपनी शक्ल से इमोशनलेस, बातों से टॉकलेस और हरकतों से कैरेक्टर, उसके पहले ब्लॉग की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर 2016 जब हमारे घर में सबसे पहला 4G फोन ऑन 7 प्रो आया था सैमसंग। तो मैं घुस गया बस फोन में, मतलब पूरे दिन यूट्यूब। तो एक दिन जब मैं YouTube देख रहा था तो मुझे रिकमेंडेशन में आई मुंबई का निखिल की वीडियो और मैं बस वो वीडियो देखने लगा। और जब मैं वो वीडियो देख चुका था तो मुझे लगा कि ये तो एक नॉर्मल वीडियो है जो मैं भी बना सकता हूँ, मतलब। और हाँ, मैं वीडियो पहले भी बनाता था जब मेरे पास एक नॉर्मल कैमरा था, बट मुझे पता नहीं था कि लोग ऐसे टाइप की वीडियो देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी बेरंग जिंदगी, मतलब 10th के बाद। फिर उसके बाद 2 साल तक ITJEE का प्रिपरेशन, पर इस बीच में वीडियो बनाना नहीं छोड़ा मैंने। व्लॉग नहीं बनाता था, मतलब नॉर्मल वीडियोस बनाता था, जो जैसे मैं कहीं जो जा रहा हूँ बस रिकॉर्ड कर लेता था, पर वीडियोस जरूर बनाता था। फिर जब JEE खत्म हुआ तो उसके बाद 24 अक्टूबर 2020 मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा और उसे यूट्यूब पे डालूं। तो उस दिन मैंने सारे ट्यूटोरियल अबाउट ब्लॉग की, किस तरह ब्लॉग बनाना चाहिए, क्या उसमें बोलते हैं, कैसे बातें करते हैं कैमरा से, कैमरा सेटिंग क्या होती है, सब देख डाला और चला गया रूम में ट्रायल देने। बट मुझे अकेले में इतना अजीब लग रहा था कि लोगों के सामने बोलने की तो बात ही छोड़ो, बट तब भी मैंने बनाया जितना बना सकता था बनाया। हेलो गाइस, आज ही मेरा पहला ब्लॉग है। बहुत दिन से सोच रहा था ब्लॉग बनाओ पर नहीं बना पाता था, यही कि अजीब लगता था, आप समझ ही होंगे। तो प्लीज़ अगर कोई भी टिप्स हो कि मैं कैसे अपना ब्लॉग अच्छा कर सकूँ तो कमेंट में प्लीज़ बता देना। और देखो कैसा लगता है, वैसे तो अभी दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो दुर्गा पूजा चल रहा है उसी से रिलेटेड देखो। मैंने एक बात बोली थी जब मैं मुंबई का निखिल की वीडियो देखता था कि ये वीडियो तो एक नॉर्मल वीडियो है जो मैं भी बना सकता हूँ, बट ऐसा नहीं था। व्लॉगिंग नॉर्मल है बट मेरे व्लॉग करना इन पब्लिक वो नॉर्मल नहीं था बिल्कुल। जो मैंने अपलोड नहीं किया उसके बाद मैं दिवाली से पहले शॉपिंग करने गया था, उसका भी व्लॉग मैंने बनाया। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन और इस चैनल के फर्स्ट ब्लॉग में। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन और इस चैनल के फर्स्ट ब्लॉग में। और अभी हो रही है सुबह, जैसा कि मैंने आप लोगों को विश किया तो आपको पता चल ही गया होगा, कॉमन सेंस हो चुके हैं। अब हम तैयार देख सकते हैं यार, यही इसी टाइप के मेरे को पैंट अच्छी लगती है यार, थोड़ी लूज होती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। पता है पैंट कितनी पुरानी है, 1 साल से चल रही है, 1 साल, और आज जा रहा हूँ मैं फाइनली। तो रेडी तो हो गया, हाँ, शूज भी पहनूंगा, मास्क भी पहनूंगा। गाइज, हम अभी DU पहुँचे क्योंकि मेरी दीदी को DU में काम था, फिर हम जाएंगे मार्केट। तो अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। वो भी मैंने अपलोड किया क्योंकि मैं ये सोचने लग गया कि लोग क्या कहेंगे, ब्लॉग उतना अच्छा नहीं है, मैं बोल अच्छे से नहीं पा रहा, मैं सीन अच्छे से नहीं दिखा पा रहा, मैं बात अच्छे से नहीं कर पा रहा किसी। फाइनली ऑन 14 नवंबर जिस दिन दिवाली थी उसी दिन मैंने अपना अकाउंट खोला, उसी दिन मैंने अपना चैनल बनाया और उसी दिन मैंने अपने चैनल का DP भी डाला, अपना नाम भी डाला और उसी दिन मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया, जिसको मैंने एक हफ्ते में एडिट करके अपलोड भी कर दिया। उसी दिन से मेरा नाम हर्षी भी पड़ गया। ठंड में बहाने बनाता हूँ मेरी नहाने को, आया हूँ अपनी कहानी सुनाने। वेलकम टू। इसीलिए बना रहा क्योंकि मैं भी चाहता था यार मेरे चैनल पे एक माय फर्स्ट ब्लॉग करके एक वीडियो, क्योंकि सबके चैनल पे था, जितने मोस्टली ब्लॉगर हैं उनके सबके चैनल पे था। और मैं नहीं चाहता था कि बहुत सालों बाद, कुछ सालों बाद जब मैं अपना यूट्यूब चैनल देखूं और मेरे पे कोई मेरा फर्स्ट ब्लॉग हो ही ना, सिर्फ नाम से कोई वीडियो हो ही ना, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और ये वीडियो आ रही है नवरात्रि के बाद, मतलब उस बीच में बन रही थी, तो इसके बाद कौन सी वीडियो आएगी समझ गए ना।